हर डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जितने रिक्त पदे हैं उसको भरा जाए और हर विभाग में, हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है लगभग 1.5 लाख हम लोग जो है नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। भाजपा को तो महंगाई नजर नहीं आता है, बोलता महंगाई का हो, प्याज का माला ले लेके छाती पीट के लोग क्या क्या बोलता था। आज महंगाई पे नहीं बात करेगा, नौकरी पे बात नहीं करेगा, कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज्यादा भाजपा। अब बताइए अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चलेंगे। आप अगर आ रहे हैं बिहार तो काम की बात करोगे कि बेकार की बात करोगे। चलिए 10 तारीख को कालकटोरा मैदान में हम लोग ताल ठोका जाए और सभी विपक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए। हम बार बार ये कहते हैं एकदम डटे रहिए। अभी सब लोग सरकार में हम लोग आए हैं, अभी तो 40 ही दिन हुआ है हमको और सब बाकी का मंत्रिमंडल 10 दिन बाद उसका हुआ है, लगभग 1 महीना 5-6 दिन हुआ होगा, यानी 5 हफ्ता ही हुआ होगा। अब बताइए जो हमारा कमिटमेंट था रोजगार देने का, नौकरी देने का, वो सिलसिला जो है कल से शुरू हम लोगों ने कर दिया और आज भी लगातार हर डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जितने रिक्त पदे हैं उसको भरा जाए और हर विभाग में, हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है लगभग 1.5 लाख हम लोग जो है नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप समझिए हर डिपार्टमेंट इस काम में तो हम लोग लगे, हर बैठक हर कैबिनेट में देखिएगा सब प्रपोजल आता है, इससे अस्पताल भी बेहतर होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, इलाज भी होगा, सारी चीजें होगी, बिहार का इकोनॉमी भी सुधरेगा। तो इस काम को तो हम लोग कर ही रहे, यही तो है आर्थिक न्याय, नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा। इस महंगाई में आप लोग जान ही रहे क्या हो रहा है, भाजपा को तो महंगाई नजर नहीं आता है, बोलता महंगाई का हो, बताओ प्याज का माला ले लेके छाती पीट के लोग क्या क्या बोलता था। आज महंगाई पे नहीं बात करेगा, नौकरी पे बात नहीं करेगा, बिहार के विशेष राज के दर्जे अब इनके होम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है भाई होम मिनिस्टर कहीं भी जाएंगे आइए आपका स्वागत है, लेकिन थोड़ा बिहार के 12-13 करोड़ जनता को बताइए कि भैया पैकेजवा कब मिलेगा और बिहार को विशेष राज का दर्जा कब मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। काम की बात कीजिए ना, आप अगर आ रहे हैं बिहार तो काम की बात करोगे कि बेकार की बात करोगे, लेकिन उन लोगों का मन काम में लगता ही नहीं है, बेकार की चीजों में लगे रहते हैं, झंझट पैदाने में लगे रहते हैं, समाज में जहर बोने में लगे रहते हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ भाई बेगूसराय में क्या हो रहा था, क्या प्रयास किया जा रहा था दिखाने का, पता ही रात भर जंगल राज हो गया, रात ढूंढे भाजपा में जाते हैं कौन सा पर्व बुलाया भाई, क्या हालत है। तो इसलिए हम लोग इस देखिए भाई आप सब लोग सावधानी भी रखना और वैसे लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, सुरक्षा भी देना है, यह आपके कंधों पे भारी जिम्मेवारी। हम कह रहे हैं समाज में अगर कोई तनाव पैदा करना चाहेगा तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि समाज में तरह तरह के लोग तो हर जगह तो रहता ही है कुछ ना कुछ गड़बड़, लेकिन ये लोग चाहेगा कि कुछ उधर से गड़बड़ हो ताकि लोगों को मौका मिले कुछ ना कुछ करके, ये लोग कराने ना देता है भाई। तो उसमें आप लोगों को कहेंगे कि सावधान रहिए, तैनात रहिए और कहीं भी जो है झंझटा झंझट जहाँ हो वहाँ लोगों के बीच शांति का वातावरण कायम करने में अपना योगदान दिया और लोगों को सुरक्षित किया, इस काम में हम लोगों को ये लग रहा है। तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, अब तो दिल्ली चलना है, 9-10 को जो है कार्यक्रम है वहाँ कालकटोरा में वो खुला अधिवेशन, पार्टी ने निर्णय लिया राष्ट्रध्वज जी ने कि इस बार ओपन अधिवेशन जो होगा वो दिल्ली से किया जाएगा, वहां ललकारा जाएगा और हम सब लोग को यही कहेंगे कि भाई
इतनी संख्या हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी है तो पार्टी तो लिमिटेड ही इंतजाम कर सकती है। जो लोग सक्षम लोग हैं वो लोग की व्यवस्था करा दें। चलिए 10 तारीख को कालकटोरा मैदान में हम लोग काम छोड़ा जाए और सभी विपक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए, एकजुट होकर के सरकार पर शक्तियों को जो है पार कीजिए। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए, ये बर्बाद कर देंगे लोग। अब आप बताइए कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज्यादा भाजपा। अब बताइए अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चले गए, बोलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा था। खैर एक सब बात हम यहां नहीं कहेंगे, कोर्ट का मसला है तो इन लोगों का देख लीजिए क्या हालत है भाई, क्या हो रहा है। जो लड़ रहा है उसको डराने का कोशिश किया जा रहा है। और एक बात स्पष्ट है, हमारे मन में कोई लालच नहीं है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सब जनता पे निर्भर करता है। लेकिन हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में हम लोगों को जीतना है। वो लड़ाई आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ जितना परेशानी जगदा बाबू बता रहे थे सारे परेशानियों का हल हो जाएगा जब भाजपा देश से बाहर होगी। किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग, हर वर्ग जो है परेशान हो चुका है भाजपा से। और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जो हम लोग का जो लक्ष्य, जो प्रण था, जिसको घोषणा पत्र नहीं हम प्रण बोलते हैं, उस चीज में भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से यही, अभी राष्ट्र अध्यक्ष ललन जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि भाई जगदा बाबू को जब कहिए तब जो है सभी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर बुला करके जो है अपना कार्यक्रम तय कर दीजिए कि संगठन क्या करेगी। जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे सातों पार्टी के लोगों में तालमेल बना रहा है, इस काम में लग रहा है हम लोग, तो वो भी बात हो गई। तो इसमें बहुत बढ़िया, अब हम लोग एक हुए हैं तो एक रहकर के काम करना है, तो इसलिए बहुत तरह का बात होगा। और अभी कुछ लोग, सब लोग आएंगे, कुछ लोग ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये करा दीजिए, हमको देख दीजिए, दे दीजिए, होना उसी का जिसका होना है। और प्रयास अगर जमीनी में कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो उसके हर एक चीजों पे जो है वो ध्यान तो रखा ही जाए। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों के नेता आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू जी, आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हर एक चीज को आप लोग हम बार बार कह रहे हैं और अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के भाई दम शांति बनाए रखिएगा। और छोटा वर्ग जितना उन लोगों को साथ लेकर के, फिर दोहरा है, हम लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोग जाइए वहां और काम कीजिए, देखिए हम देश की लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। और हम पूरा जगदा बाबू जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।